सरकार ने बनाई ऐसी योजना कि भारत में स्थापित हो जाएगा विकास का नया कीर्तिमान, विश्व भर में बढ़ेगा भारत का स्वाभिमान, डायरेक्ट आपके खाते से कटेगा टोल टैक्स, अब नहीं देना होगा कोई भी कैश। सरकार की इस योजना के बाद चारों तरफ हो तारीफ, मोदी से लेकर नितिन गडकरी की हो रही चौतरफा प्रशंसा, योजना से तिलमिला रहा विपक्ष। जहां एक तरफ मोदी और योगी खुले मंच से विपक्ष को राजनीतिक परिभाषा समझा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी के मंत्री भारत को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, इसलिए तो विपक्ष का झंडा बुलंद कर रहे लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में कुछ ऐसा किया कि मोदी के विरोधियों के मुंह पर ताला लग गया है। हम इस खबर को आपको सिलसिलेवार समझाएंगे और साथ में मतलब भी बताएंगे, तो खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा। दरअसल केंद्र सरकार पूरे भारत भर में नेशनल हाईवे से टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की योजना है कि इसके लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे, जो अपने आप ही वाहन के नंबर प्लेट को रीड कर लेंगे और वाहन के मालिक के अकाउंट से टोल कट जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी संशोधन पर भी काम हो रहा है। तो वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 2019 में हमने नियम बनाया था कि कारें कंपनी द्वारा लगाई गई नंबर प्लेट के साथ आएंगी, अब टोल प्लाजा को हटाने का प्लान है, इसकी जगह कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और पैसे डायरेक्ट अकाउंट से कट जाएंगे। इसको लेकर गडकरी ने आगे बताया कि इसमें एक दिक्कत है कि टोल प्लाजा पर भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिक को दंडित करने का कोई प्रावधान कानून में मौजूद नहीं है, हमें इसे कानून के तहत लाना होगा। गडकरी ने कहा कि हम कारों के लिए भी प्रावधान ला सकते हैं जिसमें निश्चित समय में नंबर प्लेट लगाने का प्रावधान हो, इसके लिए हमें एक बिल लाना होगा। तो वहीं सरकार की इस योजना के बाद बुद्धिजीवियों के मन में कुछ सवाल खड़े होना लाजमी है, जैसे जो लोग टोल प्लाजा पर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनको अब कहां और रोजगार दिया जाएगा। तो वहीं अगर किसी गाड़ी का नंबर स्कैन नहीं हो पाता है तो उसके लिए सरकार क्या योजना बनाएगी, सरकार की ये योजना कितनी कारगर साबित होगी, ये आने वाले दिनों में साफ जाहिर हो पाएगा। जहां एक तरफ परिवहन मंत्री विकास के कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोदी भी सियासत का सबसे बड़ा बादशाह चल रहे हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी ने अभी हाल ही में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यूसीसी पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहे हैं, एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि यूसीसी लाओ, लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का जिक्र संविधान में भी किया गया है, जहां समान नागरिक संहिता को ही यूसीसी के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा, शादी तलाक गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। वैसे ये मुद्दा वर्षों से राजनीतिक बहस का केंद्र बन रहा है, यूसीसी सत्ताधारी भाजपा के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करती रही है और ये मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का भी हिस्सा था। यानी इन सब बातों से साफ जाहिर है कि राजनीति के धुरंधर एक धनुष पर दो तीर लिए हुए हैं, इसमें एक बार विकास का है तो दूसरा बड़े मुद्दे का। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।